ये बात मानते हो आप? तो तुम्हें क्या लगता है मीडियम इतना शरीफ है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने देगा? बताओ भाई। नमस्कार बच्चे, मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोलम्स लॉ। क्या रहने वाला है बोलो मेरे साथ? कोलम्स लॉ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हर साल क्या कह रहा हूं मैं, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है किससे? कोलम्स लॉ का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। बात समझ रहे हो? तो कोलम्स लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आज कूलम्स लॉ देखेंगे, इसकी बात करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कुछ निंजा टेक्निक मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो फिर क्या है, और देखेंगे बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, उसको भी देखेंगे एक बारी। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ को देखते हैं। मैं आपको पहले मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर समझते हैं इसको। बोलता अपने पास दो चार्जेस है Q1 Q2। क्या है अपने पास? दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। तो देखो जो इनके बीच में फोर्स है Q1 और Q2 के बीच में, वो क्या होता है अपना K Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो इसकी बातें कूलम्स लॉ की, क्या कहता है ये? द इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्टेड बाय वन पॉइंट चार्ज ऑन अनदर एक्ट्स अलोंग द लाइन बिटवीन द चार्जेस। तो कहता है भाई जो Q1 फोर्स लगाएगा ना Q2 पे, वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो इन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। बात समझ रहे हो आप? अब अगर अपने Q1 और Q2 कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, वेरी गुड। तो जो अपना फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, जो इन चार्जेस को लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलोंग अपना फोर्स होगा। इट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द चार्जेस एंड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। कहता है भाई डिस्टेंस के क्या है ये? इनवर्सली है। डिस्टेंस के भी नहीं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली है और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे जो के है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो के क्या होता है, देखो के की वैल्यू होती है 1/4πε0। क्या वैल्यू होती है? 1/4πε0। यहाँ पे ε0 क्या है अपना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ना बात आएगी दिमाग में ऐसी कि ये परमिटिविटी बताती क्या है, परमिटिविटी बताती क्या है हमें? तो मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में समझाया था, अगर मेरे पास कोई चार्ज है क्यू, तो वो क्यू क्या करना चाहेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहेगा। क्यों बनाएगा भाई? चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है, हर चार्ज अपनी क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये चार्ज कहाँ रखा होगा? किसी मीडियम में रखा होगा, ये बात मानते हो आप? तो तुम्हें क्या लगता है मीडियम इतना शरीफ है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने देगा? बताओ भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो चार्ज क्या बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, वो मीडियम जिसमें रखा हुआ है, वो मीडियम इतना शरीफ है जो उसे बनाने देगा? तो देखो होगा क्या, ये बनाना चाहेगा अपनी फील्ड, मीडियम उसे रोकेगा। तो मीडियम क्या है अपना? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और उसी रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? परमिटिविटी से। तो परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई चार्ज किसी मीडियम में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाह रहा है और जो मीडियम है उसको जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो क्या होता है अपना? परमिटिविटी। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे परमिटिविटी भी क्या होगी? चेंज होगी। ये बात तो हमें आती है समझ। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है लोएस्ट परमिटिविटी। ये वैक्यूम है ना बेचारा नल्ला आदमी, इसमें क्या होती है परमिटिविटी सबसे कम ही होती है, सबसे लोएस्ट इसी की है परमिटिविटी। और के की आप वैल्यू भी याद कर सकते हो डायरेक्ट इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, फ्री स्पेस वाले की कितनी होती है? 9×10^9। अच्छा वैसे याद करने की ऐसी कोई नीड नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में ये वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई मिलती है आपको। बात समझ रहे हो? और मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें ऑप्शन के की फॉर्म में ही होते हैं, मतलब इसको ऐसे के छोड़ देते हैं और के की फॉर्म में ही आपसे आंसर पूछ लेते हैं वो। तो बात समझे? तो ये कुछ कूलम्स लॉ का था अपना ओवरव्यू, ये आपको समझ आया। अब इसमें न्यूमेरिकल देखे, देखो गर्मा गर्म मजा, एक से एक न्यूमेरिकल करेंगे, मजा आ जाएगा आज। तो देखो सबसे पहला, सबसे जैसे बोलते ना लड्डू न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या कहता है। थ्री चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड ऑन एनी वर्टेक्स ड्यू टू अदर टू। तो कहता है अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। साइड कितनी है ट्रायंगल की? 1 मीटर है, और 3 चार्ज रखे हुए हैं।
इसको वर्टेक्स, ये क्यू और ये क्यू। तो अभी देखो मैं अपनी सुविधा के लिए इनको ना नंबर दे देता हूं। इसको मैं मान लेता हूं क्यू वन, इसको मैं मान लेता हूं क्यू टू, इसको मैं मान लेता हूं क्यू थ्री। बाद में जो है मैं ए क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तीनों को क्या पुट कर दूंगा, क्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। अब मेरे को एक बात बताओ, हम ना इस वाले वर्टेक्स पे निकालते हैं, वर्टेक्स बी पे निकालते हैं नेट फोर्स। तो ये जो ए है, क्या कह रहा हूं मैं, जो ए चार्ज है अपना ये पॉजिटिव है, और बी चार्ज है ये भी कैसा है अपना, पॉजिटिव है। वेरी गुड। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, बताओ। रिपेल करेंगे ना, वेरी गुड। तो ये जो क्यू वन है ये क्यू टू पे फोर्स कहाँ लगाएगा, ऐसे ही लगाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन। बात समझ आई, क्या लिखेंगे इसको, फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन। इस पे आ जाओ, ये क्यू थ्री जो है क्यू टू पे कहाँ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वेरी गुड। इसको क्या लिखेंगे हम, फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू थ्री। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटर, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, वेरी गुड, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों वेक्टर्स का क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट लेंगे। फॉर्मूला पढ़े ना बचपन से, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, वही लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे हम पहले वैल्यू निकालते हैं, फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन। तो क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 1 मीटर, ऑलरेडी एस आई में है। अच्छा, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन ही होगा अपना। देखो तो अब क्यू वन और क्यू टू को क्या पुट कर दूं, मैं क्यू ही पुट कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, यही आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है भाई, कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू टू क्यू थ्री दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, 1 मीटर, तो ये भी कितना आ जाएगा, बोलो अपना, के क्यू स्क्वायर, यही बात। अब इन दोनों का क्या लेंगे, बोलो, रिजल्टेंट लेंगे, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट, वेरी गुड, ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर क्यू फोर प्लस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर क्यू फोर, स्क्वायर करना है ना भाई, प्लस टू ए बी, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के स्क्वायर क्यू फोर कॉस 60, क्योंकि इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है अपना। कॉस 60 कितना होता है, सारे बता दो मेरे को, कॉस 60 कितना होता है भाई, वेरी गुड, हाफ होता है, तो हाफ यहाँ पे पुट करेंगे, टू से टू क्या हो जाना है अपना, कैंसिल हो जाना है क्या, ये कितना हो जाएगा, देखो वन और वन टू, तो टू के स्क्वायर क्यू फोर, और कॉस 60 को जब आप हाफ पुट करोगे, टू से टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, या क्या बचेगा बोलो, के स्क्वायर क्यू फोर। तो नेट फोर्स कितना आया अपना, एफ नेट 2k² q4 प्लस 1k² q4 कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 3k² q4। तो नेट फोर्स कितना आ गया अपना, k q² रूट 3। बात समझ आई, पक्की बात। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये काम होगा आपका, बिल्कुल बीच में मिलेगा, क्योंकि तो भाई दोनों वेक्टर की वैल्यू क्या है, सेम। जब भी दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आता है, उनके मिड में। बात समझ आई आपको, देखो था ना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगला देखे, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। आप ना जो है ना पेन का यूज मत करना, बिना पेन का यूज करे मेरे को बताना, ठीक है। तो फिर देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करना, कहता है 6 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए मीटर। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो समझ आया भाई क्वेश्चन, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ आपको। कहता अपने पास एक हेक्सागन है, प्यारा सा हेक्सागन के 6 वर्टेक्स, 6 के 6 वर्टेक्स पे अपने चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। आप कह रहे हैं एक चार्ज रख रहे हैं हम इसके सेंटर पे कितना, माइनस क्यू,
हमें ये बताना है इस माइनस क्यू वाले पे नेट फोर्स क्या होगा, क्या बताना है हमें इस माइनस वाले पे नेट फोर्स क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ, हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंटर से अगर मैं किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालूं तो क्या होता है, वो सेम होता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, 9th क्लास से। तो यहां देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव उसे कहां खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा आ जा भाई मेरे पास आ जा, है तो ये फोर्स कहां लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू क्यू, ऊपर लग गया, ये बात समझे। ये वाला कहां खींचेगा, बोलेगा अरे अरे भाई साहब उधर कहां जा रहे हो, इधर आओ हमारे पास। तो ये फोर्स कहां लगाएगा, नीचे लगाएगा, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू क्यू। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्यू भी सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी सेम है, तो आपस में क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। ऐसे ही देखो ये वाला क्यू इसको कहां पुल करेगा, इस साइड पुल करेगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू क्यू। और ये वाला क्यों इसे कहां पुल करेगा, कहेगा भैया इधर आओ हमारे पास, उधर कहां जा रहे हो। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल आउट। ऐसे ये वाला चार्ज कहां पुल करेगा इसको, इस साइड, और ये वाला कहां पुल करेगा इसको, इस साइड। तो देखो इस पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, आर्य भट्ट आ जाएगा, क्या शून्य मतलब। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, शून्य होगा। सबको समझ आया क्यों है, जीरो, बात समझ रहे हो, जीरो क्यों है, ये बात समझ आई आपको। अच्छा अगर हम मान लो मैं ऐसे बोलूं मेरे पास 5 वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं, एक वर्टेक्स पे नहीं रखा हमने, तो अब नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये देखो ये चार तो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट, लेकिन ये जो फिफ्थ फोर्स है इसका वो कैंसिल करने वाला ही गायब हो गया बेचारा। तो अब नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा, और कितना लगेगा, ये लगेगा वो लिख देंगे हम के क्यू, और फिर सेकेंड भी क्या है, क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो कितना जाएगा वो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। जब आप कूलम्स लॉ लगाओगे ना, तो यहाँ पे चार्जेस के साइन मत पुट करना, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, चार्जेस के साइन मत पुट करना। साइन क्या बताते हैं हमें, फोर्स की डायरेक्शन, वो हम डायग्राम में अलग से स्पेसिफाई कर देंगे। अगर आप यहाँ पे साइन पुट करोगे वेक्टर में लेके जाओगे तो वो काम बढ़ाने वाली बात होती है, खुद ही परेशान हो जाएंगे हम, बात समझ लो। तो फिजिक्स को जितना सिंपल रखना है ना, उतनी सिंपल रखने की हम कोशिश करेंगे। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, कूलम्स लॉ में एक तो साइन पुट नहीं करना, ठीक है, और क्वेश्चन में पढ़ते ही पेन मत उठा लेना, पहले थोड़ा सा सोचना, देखना आप अपना कितना काम बचा सकते हो। जैसे यहाँ पे इस फिगर को देख के ही मालूम चल गया कि सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना आने वाला है, मेरा जीरो आने वाला है। अब एक मजे की बात बताऊंगा आपको, देखो जितनी भी अपनी रेगुलर ज्योमेट्री है, जैसे मैं बोलू स्क्वायर, अगर स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा हुआ है और आप सेंटर पे पूछोगे फोर्स, तो क्या आने वाला है, जीरो। आपसे बोलू सर्कल, सर्कल पे भी सेंटर पे अगर रखा हुआ कोई चार्ज, उस पे क्या आएगा, नेट फोर्स जीरो। मैं बोलू इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें भी सेंटर पे नेट फोर्स क्या आता है, जीरो, बात समझ रहे हो आप। अच्छा पेंटागन में जीरो आएगा क्या, मान लो अपने पास अगर पेंटागन होता, पेंटागन में कितने वर्टेक्स होते हैं, 5, उसको ऐसे कर दे ड्रो, पेंटागन बन गया। तो अगर पेंटागन में रखेंगे हम 5 वर्टेक्स पे चार्ज, तब भी नेट फोर्स क्या आएगा, यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये चार तो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट, वेरी गुड, लेकिन एक ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना थोड़ा सा, ये भी एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, जो बोर्ड में 3-4 बार ही आ चुका है, लास्ट ईयर भी अपना आया था बोर्ड में, तो देखें फिर वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो कहता है टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ईच अदर, अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन Joining above two charges such that all three charges in equilibrium, what is the magnitude, sign and position of charge small q? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी जेई में आया था, आजकल बोर्ड में आता है। कह रहा है दो चार्ज है अपने पास q, क्वेश्चन को तो मैं बाद में करवाऊंगा सॉल्व, पहले आपको पॉसिबिलिटी स्कैन करना बताऊंगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे पॉसिबिलिटी स्कैन करोगे। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आर, डायग्राम बन गया। कहते हैं तीसरा चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं स्मॉल क्यू, कहां प्लेस कर रहे हैं, जो इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है इसी लाइन पे कहीं प्लेस कर रहे हैं, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। कहता है अब जब थर्ड चार्ज हमने प्लेस करा तो ऐसे रखा है ताकि तीनों चार्ज क्या है अपने,
इक्विलिब्रम में है। तो इक्विलिब्रम का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स देखोगे, क्या कह रहा हूं मैं आपसे ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर हम किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स देखेंगे तो क्या आना चाहिए, वो आर्यभट्ट, शून्य आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो हमें क्या बताना है, इस छोटे क्यू का मैग्नीट्यूड बताना है कि क्या, तो इसकी वैल्यू होगी, इसका साइन बताना है मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और इसकी पोजिशन बतानी है कि कहाँ चिपका है इसको बताओ। तो मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। तो सबसे पहले देखो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो अपना तीसरा चार्ज है हमने रखा इस साइड, क्यू कहाँ रखा, इस साइड रखा है, ठीक है। अब ये कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, अगर हम ये मानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमारी अजम्पशन क्या है कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये जो कैपिटल क्यू है इसको धक्का मारेगा उस साइड, कहेगा अरे भैया भैया थोड़ा आगे हो जाओ, समझ रहे हो बात, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, और हम इस वाले चार्ज पे देख रहे हैं फोर्स, तो ये क्यू जो है इस वाले क्यू को धक्का देगा उस साइड, वेरी गुड, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला क्यू भी इस क्यू को कहां देगा, इस साइड धक्का देगा। अब देखो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या कभी इस पे नेट फोर्स जीरो आ सकता है, नेट फोर्स जीरो कब आ सकता है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे ऑपोजिट, बात समझ में आई, तो मतलब यहाँ पे तो हम ये चार्ज रख नहीं सकते, चार्ज रखेंगे तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। अच्छा मैं ऐसा मान लू, अगर मैं इसको माइनस कर दू तो मेरी अजम्पशन है ना, भी तो गलत हो सकती है, क्या दिक्कत है, हमें तो सही वाली बतानी है पॉसिबिलिटी स्कैन कर करके। अब ये क्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कहां इसको अपनी तरफ बुलाएगा, क्या आ जाओ भैया आ जाओ अपने पास आ जाओ, ये वाला क्यू भी इसको कहां करेगा, अपने पास बुलाएगा, फिर से दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई, तो क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है इस पे, नहीं हो सकता, वेरी गुड। देखो मैं ऐसा बोल दू, जो केस यहां पे है वही केस यहां पे होगा, एक ही तो बात है, क्या कह रहा हूं मैं आपसे ध्यान से सुनना, जो केस यहाँ पे है वो सेम केस यहाँ होगा, तो इससे मैं क्या मालूम चला कि जो तीसरा चार्ज है वो ना तो मैं ए के लेफ्ट साइड रख सकता हूँ ना ही मैं बी के राइट साइड रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा रखने से मेरे चार्ज पे नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है, तो जरूर वो चार्ज कहाँ रखा होगा, ए और बी इनके कहीं बीच में, ठीक है। अभी हम यहां मान लेते हैं, फिर से अज्यूम करेंगे इसका साइन मान लेते हैं प्लस क्यू, भाई अजम्पशन है अभी तो। अब ये जो कैपिटल क्यू है ये इसको कहां धक्का मारेगा, राइट हैंड साइड रिपेल करेगा, ये वाला क्यू इसको कहां धक्का मारेगा, लेफ्ट हैंड साइड, ओहो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई ऑपोजिट, तो इसके अब नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है ना, पूछो क्यों, क्योंकि उसने कहा भाई तीनों चार्ज क्या होने चाहिए अपने इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, अभी तो एक ही पे देखा है हमने। अच्छा अब इस पे और देख लेते, अगर इस पे भी जीरो आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये वाला इसको कहां धक्का मारेगा, इससे धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला भी इसको कहां धक्का मारेगा, इससे धक्का मारेगा, ओहो इस पे तो नेट फोर्स जीरो आ गया, लेकिन क्या अब इस पे नेट फोर्स जीरो आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि फिर से दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, वेरी गुड, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा अपना नेगेटिव। अब एक बार फिर से देखते हैं, पॉसिबिलिटी स्कैन करते हैं भैया हमें, तो ये जो क्यू है इसको कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, भले आ जा भैया आ जा इधर आ जा, ये वाला क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब बी को और चेक कर लेते हैं एक बार, यही तो फंसा था पिछली बारी, ये नेगेटिव क्यू इस कैपिटल क्यू को कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये पॉजिटिव क्यू इस क्यू को कहाँ धक्का देगा, राइट साइड धक्का देगा, तो अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी नेट फोर्स क्या हो जाए, अपना जीरो हो जाए, सेम केस इसके साथ होगा, भाई दोनों भाई भाई तो हैं आपस में ना, जो एक के साथ वही दूसरे के साथ, बात समझ आई, तो मुझे नहीं पता ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बताई आपको कितनी समझ आई है, मेरे को कमेंट करके बताना कि ये समझ आया कि नहीं आया। देखो जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, अब मान लो कोई नया क्वेश्चन आया तो उसे कैसे टैकल करोगे आप, आपको बस ये सोचना है जो आपने पढ़ा है और जो आपसे पूछा है आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो, दैट्स इट, और बाकी आपको ये पॉसिबिलिटी स्कैन करनी आनी चाहिए कि चार्ज कहाँ रखे तो फोर्स जीरो हो, या चार्ज को कहाँ प्लेस करना है, क्या साइन होना चाहिए उसका, ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं इसकी पोजिशन, इस माइनस क्यू वाले की, तो एक आंसर तो हमारा आ गया ये साइन वाली बात, तो साइन क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। अब मैं ये मान लेता हूं मैं इसको ए से जो है ना एक्स डिस्टेंस पे रख देता हूं, तो बी से कितना हो जाएगा, ये आर माइनस एक्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर यहां से एक्स है ये पूरा आर है तो ये कितना होगा, आर माइनस एक्स, वेरी गुड।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा है ऐसा, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि इस पे नेट फोर्स कम होना चाहिए जीरो. तो फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू. ये वाला क्यू है, ए वाला है मतलब, और ये अपना बी वाला. तो दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल. तभी इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा. इसकी वैल्यू लिखे क्या क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू. देखो मैंने अभी बताया कूलम्स लॉ में आप चार्ज के साइन पुट नहीं करोगे, साइन से सिर्फ हम डायरेक्शन देखते हैं. वो हम लिख देते हैं अलग से डायग्राम में बना देते हैं, कोई लफड़ा ही नहीं है. यहां से यहां का डिस्टेंस कितना ज्यूम किया हुआ है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, वेरी गुड. यहां पे देखो के क्यू वन क्यू टू डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स का स्क्वायर. ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट, मौज हो गई भाई. ये एक्स स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इधर क्या बचेगा, वन, वेरी गुड. इसको मैं ऐसे लिख लू क्या, एक्स आर माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर. देखो क्यों, यहाँ पे एक्स का भी स्क्वायर है और आर माइनस एक्स का भी स्क्वायर है. स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो यही आ जाएगा यहाँ पे. वन का अंडर रूट क्या हो जाएगा, वन. आर माइनस एक्स क्या हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई. ये एक्स उधर जाके क्या हो गया, अपना एड हो गया. तो आर इज इक्वल टू टू एक्स. तो एक्स कितना आ गया अपना, आर बाय टू. तो इससे में क्या मालूम चला कि जो अपना तीसरा चार्ज है छोटा क्यू जो है ना, इसको कहाँ रखना पड़ेगा, ए से एक्स बाय टू डिस्टेंस पे, या फिर हम बोलते बी से भी एक्स बाय टू ही आएगा भाई, क्योंकि बीच में रखना पड़ेगा, ये एक्स बाय टू आया तो. इतनी बात समझ आई. तो ये तो हमने कैलकुलेट करा इसका डिस्टेंस कि हम इसको कहाँ रखेंगे. अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. तो उसके लिए देखो फिर लॉजिक यूज करेंगे अपना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों चार्ज पे नेट फोर्स क्या मिलेगा अपने को, जीरो, यही कहा है क्वेश्चन ने. तो अब हम क्या देखेंगे, बी वाले पे देखते हैं नेट फोर्स क्या देखेंगे, बोलो. बी वाले पे देखेंगे नेट फोर्स. तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू छोटा क्यू, यानी कि ये किस साइड खींचेगा, इसको इस साइड खींचेगा. ये किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू. ये जो है इसको कहां फेंकेगा, इस साइड फेंकेगा. तो ये दोनों फोर्स भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल. तभी अपना नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा. तो पहले इसकी वैल्यू लिखी क्या आएगी, के क्यू वन क्यू टू. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो एक्स कितना था अपना, आर बाय टू. तो आर में से आर बाय टू अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आर बाय टू बचेगा, वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा, आर बाय टू का स्क्वायर, शाबाश. कितना देगा, के कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट. यहाँ क्या बचेगा अपना, छोटा क्यू. नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर, और टू का स्क्वायर कितना, फोर. ये कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. फोर का पहुंचेगा ऊपर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट. तो फोर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू. तो छोटा क्यू कितना आ गया अपना, क्यू बाय फोर आया क्या. देखो तो हमें क्या मालूम चला, जो अपना ये छोटा क्यू है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, क्यू बाय फोर. साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव. और कहां रखा जाना चाहिए, ये ए से आर बाय टू आगे. कहां रखा जाना चाहिए, ए से आर बाय टू आगे. तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि छोटा क्यू क्या होना चाहिए, माइनस क्यू बाय फोर. और साइन के साथ बताएंगे ना हम तो आंसर, कि अपना छोटा क्यू क्या होना चाहिए, माइनस क्यू बाय फोर. तो देखो ये क्वेश्चन सबको समझ आया क्या भाई, कमेंट में जरूर बताना. थोड़ा सा तो मुश्किल है ये, लेकिन इतना भी नहीं है. थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड में तीन चार बार ये आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं. तो अगर ये समझ आया फिर अगला क्वेश्चन देखे क्या. देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वरना वीडियो क्या थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप कहोगे भाई सुला रहे हैं मेरे को, समझ रहे हो बात, वो बासियां मारोगे बैठ के. तो अभी ये देखते हैं, इसके बाद जो और क्वेश्चन है वो एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर अप करूंगा मैं जो अपने टाइप आते हैं. तो ये देखो बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है, दिखने में भयंकर है, सॉल्व करेंगे बड़ा ही मासूम है. कहता है फोर पॉइंट चार्जेस, ये बड़ा भयंकर सी वैल्यू है चार्ज की, आर अरेंज्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर ने रख दिया चार्ज. अनदर चार्ज छोटा क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. अब ये छोटा क्यू कहां रखा है, स्क्वायर के सेंटर पे पटक दिया इन्होंने. रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ईच कॉर्नर चार्ज इज जीरो. कहता है जो नेट फोर्स लगता है, किसी भी कॉर्नर को पकड़ लो आप, उस पे नेट फोर्स क्या मिलना चाहिए, जीरो.
फाइंड द मैग्नीट्यूड साइन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ छोटा क्यूब। तो बताना छोटे क्यूब का साइन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका। भाई ये सारा जो है ना करा था राइट छोटे क्यूब का ही है, तो देखते हैं फिर और तो हम क्या कर सकते हैं। तो स्क्वायर बना ले एक प्यारा सा, देखो ये बनाया हमने स्क्वायर, वेरी गुड। अभी तो ये भयंकर सा चार्ज है, मैं Q1 Q2 Q3 Q4 दे देता हूँ नाम, क्यों दे देता हूँ, बाद में मैं पुट कर दूंगा ये चारों क्या है, यही है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम अज्यूम कर रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 चारों भाई हैं आपस में, जिनकी वैल्यू कितनी है 2√2 − 1 Q, प्यारी सी ना, कोई दिक्कत नहीं। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, साइड गिवन नहीं है, खुद से अज्यूम कर लेते हैं स्क्वायर की साइड ए है ना, हमारी अजम्पशन है। तो मैं थोड़ा इसको वैसे बना लेता हूँ प्यार से, और ये बीच में रख दिया छोटा क्यूब जिसका सारा करा धरा है ये। हम नेट फोर्स देखते हैं डी वर्टेक्स पे, कहाँ देख रहे हैं डी पे, आप किसी भी वर्टेक्स पे देख सकते हो कोई इशू नहीं है। तो पहले ना डायरेक्शन बना लेते हैं फिर करेंगे बाद में सॉल्व सॉल्व। तो इसको Q1 कैसा अपना पॉजिटिव, Q4 पॉजिटिव, सेम ही है। तो Q1 जो है Q4 को कहाँ धक्का मारेगा, नीचे मारेगा, कहेगा अरे भाई साहब थोड़ा नीचे को बोलो आप। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1, ये Q3 का धक्का मारेगा इसको, इस साइड धक्का मारेगा, ओए होए कहेगा इधर आया भाई। तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3, ये Q2 का धक्का मारेगा इसको, कहेगा अरे मेरे को कैसे बोल सकते हो तुम लोग। तो फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q2, मुझे एक बात बताओ। अब देखो एक आंसर तो यहीं से मिल जाएगा हमें साइन वाला, ये नीचे ये इस साइड ये नीचे, तो इनका कहीं रिजल्टेंट इधर ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इन तीनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। अगर मैं ये भी पॉजिटिव ले लूं तो ये भी इसको कहाँ धक्का मारेगा, नीचे ही मारेगा। तो क्या कभी इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता ना। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो फिर से, अगर मैं इस भाई साहब को भी पॉजिटिव ही ले लूं तो ये भी कहाँ धक्का मारेगा, नीचे। तो क्या इस पे कभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका साइन क्या लेना पड़ेगा, मैं नेगेटिव, ताकि ये इसको अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे ना अपनी अदाओं से। तो फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q, तो ये छोटा क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तीनों धक्का मार रहे हैं। अब इन तीनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। वहां से हमें क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, सारा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देखो सारा रोड़ा ही मैग्नीट्यूड का ही है क्वेश्चन में, साइन तो वैसे ही मालूम चल जाता है मैं डायग्राम बना के। तो इन तीनों की वैल्यू, ओ तीनों की तो नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस अलग होगा अपना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनकी वैल्यू सेम होगी। एक बार ये लिख लेते हैं, अभी ना मैं इनको क्यू लेट कर लेता हूं, बाद में ये पुट कर दूंगा। अभी पुट ये करूंगा ना तो ऐसे बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, होच पोच जाएगा यहाँ पे। उसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वहां पे इस क्यू को क्या मैं क्या पुट कर दूंगा। अच्छा क्यू तो ये भी लेट किया हुआ है हमने, तो हम इसको क्या लेट करें बोलो, क्यू डैश लेट कर लेते हैं। चलो इसको अगर हमने क्यू लेट किया हुआ है तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा लास्ट में अपना फाइनल, वहां क्यू डैश को हम ये पुट कर देंगे ताकि होच पोच ना हो ज्यादा। तो पहले निकालते हैं फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3, तो क्या आ जाएगा, के क्यू डैश का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो Q3 और Q4 क्या है अपना, क्यू डैश डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना माना हुआ है हमने, ए माना हुआ है, तो ए स्क्वायर, वेरी गुड। ये निकाल ले फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q3 Q2 Q1, तो ये भी क्या जाएगा, के क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये वाली बात समझ आई। अब एक बात देखो, ये दोनों जो फोर्स है वो क्या है आपके, सेम है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आपने बचपन में सीखा होगा अगर दो सेम वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, तो उनका रिजल्टेंट आता है √2 टाइम्स ऑफ आइदर। देखो कैसे, मैं फॉर्मूला लगाऊं क्या, a² + a² + 2a² cos 90, यही वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। दोनों फोर्स क्या है अपने, सेम है, a अज्यूम कर लेता हूं मैं, एंगल कितना बन रहा है इसके और इसके बीच में, 90, cos 90 कितना, शून्य है, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा क्या, ये √2 आ जाना है। तो हमें क्या मालूम चली, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लू
उसको मैं नाम दे देता हूं एफ वन। क्या दे देता हूं मैं नाम एफ वन। एफ वन रिजल्टेंट किस किस का है? फोर्स ऑन क्यू फोर ड्यू टू क्यू थ्री प्लस फोर्स ऑन क्यू फोर ड्यू टू क्यू वन। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ताकि टीचर को ये मालूम चल जाएगा, रिजल्टेंट ले रहा हूं, सिंपली ऐड करूंगा, टीचर बुरा मान जाएगा क्योंकि वेक्टर है, टीचर को भी तो खुश रखना है। तो एफ वन कितना आ जाएगा? रूट टू टाइम्स, कुछ भी लिख दो तो सेम ही है, तो के क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब देखो ये दोनों जो थे इनकी वैल्यू क्या थी? सेम थी, तो इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा? बिल्कुल बीच में, यानी जो अपना एफ वन है वो कहां आएगा? इस वाली लाइन पे आएगा। अब एफ वन और फोर्स ऑन क्यू फोर ड्यू टू क्यू टू, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते तो क्या कर देते हैं? उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो देखो जरा, यहां मैं कर देता हूं इस चीज को, तो ऊपर कर देता हूं ना मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिजल्टेंट लेंगे किसका, पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूं। फोर्स ऑन क्यू फोर ड्यू टू क्यू टू कितना होगा? फोर्स ऑन क्यू फोर ड्यू टू क्यू टू कितना होगा? के, ये तो क्यू डैश का स्क्वायर ही होगा। लेकिन ये देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? रूट टू टाइम्स ए। भाई ये ए पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा? रूट टू ए आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा रूट टू ए का स्क्वायर, यही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू लिख लू क्या मैं जरा, पहले इनका रिजल्टेंट ही ले लेते हैं ना, तो इसको नाम दे देता हूं मैं एफ टू। एफ टू क्या होगा मेरा? एफ वन प्लस फोर्स ऑन क्यू फोर ड्यू टू क्यू टू। ये लॉजिक समझ आ रहा है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट लेने जा रहा हूं मैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो एफ टू जो है अपना एंगल के इनके बीच में जीरो, सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली क्या हो जाएंगे दोनों? एड हो जाएंगे। तो एफ वन की वैल्यू कितनी? रूट टू के क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है? ये भी वेरी गुड, के क्यू डैश का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, यही हो जाएगा यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो एफ टू किसका इक्वल आ जाएगा? के क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? रूट टू, वेरी गुड। और यहाँ क्या बचेगा? वन बाय टू। एलसीएम ले ले क्या? तो एफ टू कितना आ जाएगा? के क्यू डैश का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? टू रूट टू प्लस वन। पहले बताओ कितना समझ आया आप लोगों को? हाँ कमेंट में बताना मेरे को। अब ये जो F2 है, यानी इन तीनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q, तभी नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। उसको यहां कर लेते हैं, देखो अब छवि तो ये काम का है अपना, डायग्राम होच-पोच हो ही गया। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो अब लिखेंगे फोर्स ऑन F2 किसके इक्वल होना चाहिए? फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q। क्वेश्चन के मुताबिक F2 कितना? K Q डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इनटू में 2 रूट 2 प्लस 1। ये कितना होगा? k q डैश q, देखो ये पूरा कितना है? रूट 2a, तो आधा कितना हो जाएगा? a बाय रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाय रूट 2 का स्क्वायर। बताओ मेरे को यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? k से k कैंसिल आउट, a q डैश से a q डैश कैंसिल आउट। तो q डैश की वैल्यू पुट कर दो मैं यहाँ पे, समय आ चुका है इसकी वैल्यू पुट करने का। तो क्यू डैश कितना है अपना? टू रूट टू माइनस वन और इन टू में क्यू, और ये कितना है अपना यहाँ पे? टू रूट टू प्लस वन, और नीचे क्या है अपना? टू ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? देखो क्यू अपॉन में ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या जाना है बच्चों? कैंसिल आउट, टू का पहुंचेगा ऊपर, वेरी गुड। फॉर्मूला बन रहा है क्या? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टू रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। और ये देखो ये टू का पहुंचेगा ऊपर, ऊपर पहुंचने के बाद कहाँ आएगा? नीचे, तो कितना हो जाएगा ये? फोर इज इक्वल टू क्यू। इतनी बात समझ आई आपको? अब इधर कर देता हूं मैं, थोड़ा सा बचा है बस ये। तो ये कितना हो जाएगा? टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? फोर, और रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू, तो कितना हो जाएगा? एट माइनस वन कैपिटल क्यू डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू छोटा क्यू, तो छोटा क्यू कितना आ गया? सेवन क्यू बाय फोर, या अगर मैं और जनरली करूं तो क्या होगा? माइनस सेवन क्यू बाय फोर। देखो था ना बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन ये,
समझ रहे हो? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं हटेगा आपसे जिसमें ये छोटे क्यू की प्रॉब्लम हो, कि छोटे क्यू का साइन बताओ या मैग्नीट्यूड बताओ या फिर हमें डिस्टेंस बताओ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, वरना फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, उबासी हमारे लिए बैठ के कोई फायदा नहीं है फिर ना। तो अगर ये समझ आया आपको तो वीडियो लाइक कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और भाई करा करो शेयर, उससे क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं।